बब्बू, ये अच्छा नहीं हुआ, वो लड़की बच के निकल गई हमारे हाथों से। अब क्या होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे अफसर की बेटी है वो, कहीं जान के ला लेना पड़ जाए, देने के लेने ना पड़ जाए, जिंदा नहीं छोड़ेगी वो हमें। तो इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी, अब भुगतो। भुगतो? अरे आरी लिया तो तू खड़ा था सर पे, अब मैं भुगतो? मुझे सिर्फ उसे डराकर पैसे लेने थे, तुमने तो उसे जान से मारने का इरादा ही कर लिया। अरे ओ कमबख्त, मारे तो फिर क्या करती मैं, डर गई थी। मैंने सोचा कि वो अफसर की बेटी है, अगर बच के निकल गई तो सारी जिंदगी हमें रुलाएगी थाने कचहरियों में, और तू सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहता। अच्छा चलो उठो, इसहाक के पैसे देने, फिर अब्बा को भी छुड़वाना है थाने चलकर, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। हाँ वो तो है। बाबू सुन, तुझे क्या लगता है वो लड़की हमें माफ कर देगी या नहीं करेगी? पता नहीं। बाबर की मोहब्बत में घर छोड़ने का फैसला मेरा अपना खुद का था, और इस एक फैसले ने मुझे इतना तो सिखा ही दिया कि कभी किसी की मोहब्बत के लिए अपने बाप का घर छोड़ना कितनी बड़ी बेवकूफी है। कोई नेकी करने के लिए खुद को मुश्किल में डालना बचपन है, किसी भी अजनबी को मासूम समझना पागलपन है, चाहे फिर वो अजनबी छोटा हो या बड़ा। इस एक फैसले ने मुझे मेरी जिंदगी भर का सबक दे दिया, और जिस जिसने मुझे ये सबक सिखाया उन सबका शुक्रिया अदा तो मैं करूंगी ही, छोड़ूंगी मैं किसी को नहीं।